बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भोपाल में मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब 514 एक्टिव केस बचे हैं, साथ ही रिकवरी दर में बढ़ोतरी आने की बात उन्होंने कही। साथ ही दूसरी ओर नेमावर केस में कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, जिस पर गृहमंत्री ने कहा कि घटना के सभी आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर मिश्रा ने कांग्रेस के सभी नेताओं पर ट्वीट करते रहने का आरोप लगाया है। आज प्रदेश के अंदर कोरोना के 43 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर 54 लोग गए हैं। मध्य प्रदेश में अब 514 एक्टिव केस ही बचे हैं। कल मध्य प्रदेश के अंदर 74,340 सैंपल कोरोना के लिए गए हैं। संक्रमण दर 0.05% रह गई है, जबकि रिकवरी की दर 98.8% आंकी गई है। कि सीबीआई पे उन्हें भरोसा है कि नहीं, निकल को कोई रिपोर्ट आएगी तो कहते हैं कि सीबीआई तो राजनीतिक हिसाब से काम कर रही है, भाजपा के हिसाब से काम कर रही है। राहुल गांधी भी यही कहते हैं। अभी तक इनने बाकी के प्रकरणों में भी ऐसे ही कहा था, तो पहले वो स्पष्ट दोबारा से बता दें। घर बैठ के ट्वीट करना, घटना स्थल पे न जाना, वैक्सीन पे ट्वीट करना, एक भी वैक्सीन केंद्र पे नहीं जाना, अस्पतालों पर ट्वीट करना, किसी अस्पताल में नहीं जाना, खाद्यान्न वितरण पर ट्वीट करना और खाद्यान्न वितरण में नहीं जाना, अजीब सा राजनीतिक केंद्र चल रहा है ये कांग्रेस के अंदर, अजीब सी राजनीतिक सरगर्मी। सिर्फ और सिर्फ ट्वीट करते हैं, इतनी भी ज्यादा फुर्सत नहीं होनी चाहिए जितनी इनको है।